भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह रंगदारी नहीं देने पर दियारा इलाके में 100 से अधिक राउंड गोलियां चलाई गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के 3 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल से 16 खोखे को बरामद किया। घटना के बाद 8 थाने की पुलिस पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद 8 थाने की पुलिस 3 घंटे बाद देरा इलाके में सर्च ऑपरेशन करने पहुंची, जहां अपराधियों और पुलिस कर्मियों के बीच घंटों नोकझोंक हुई। आपको पूरा मामला बता दें कि बरारी थाना क्षेत्र के कटहल बाड़ी निवासी सकीन यादव के पुत्र गणेश यादव अपनी पुश्तैनी जमीन पर बुधवार की सुबह मजदूर के साथ अपने जमीन पर मकई लगाने के लिए गए थे, जहां पर जगतपुर निवासी कपिल देव यादव के पुत्र वासुदेव यादव, गुरुदेव मंडल के पुत्र राम मंडल, जनार्दन मंडल के पुत्र सूरज कुमार एवं अन्य लोगों ने मिलकर गोलीबारी शुरू कर दी। करीब दर्जनों लोगों ने राइफल से अंधाधुंध सैकड़ों गोलियां चलाई। यहाँ आपको बता दें कि देरा इलाके में दर्जनों किसान बदमाशों के डर से अपने खेत पर नहीं जाते हैं। अपराधी रंगदारी मांगते हैं, नहीं देने पर गोलीबारी और जान मारने की धमकी देते हैं। बुधवार को जब गणेश यादव अपनी जमीन पर मकई रोपने के लिए गया तो वर्चस्व बनाने के लिए दर्जनों अपराधियों ने सैकड़ों राउंड गोली फायरिंग कर दी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 घंटे तक इलाके में गोलीबारी होती रही, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में फंसी रही। घटना के बाद पहुंची आधा दर्जन थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। इधर अपराधियों ने 2 घंटे तक गोलीबारी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दीरा इलाके में 2 घंटे से अधिक छापेमारी की और घटनास्थल से 16 खोखे को बरामद किया। दरअसल दीरा इलाके में जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर कई बार पहले भी गोलीबारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पे सर हम सब यहाँ पे खड़े थे, उधर कुछ जन भैया सब लेके गए, वहाँ पर सर जन पहुँचा, वहाँ पर से जंगल से 10-15 आदमी निकले, फायरिंग जब करने लगे सर सब इधर से इधर भागे सर जान बचा के, और फिर जब 112 को फ़ोन किए तो बोलता है कि मेरा काम नहीं है। फिर 112 को मेरा भाई यहाँ पुल पे जहाँ पर से शुरू होता है वहाँ पर सर पुल को दे 112 को बोला कि सर वहाँ फायरिंग हो रहा है, तो बोलता आपका है जो प्लॉट है जो जमीन है जहाँ पर वह प्लॉट किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? 0 माइल थाना सर। तो 0 माइल को सूचना दिए आप? हाँ सर 0 माइल को भी सूचना दिया गया। क्या बोला 0 माइल? 0 माइल बोला सर आ रहे बस अभी तक आइए रहा है। कितना देर पहले फायरिंग हुई थी सर? जनता है गोली चला हुआ खाली। गोली का बात सुने हैं? कितना गोली चला होगा लगभग? गोली तो कम से कम 30-35 चला, मतलब काफी ज्यादा संख्या में। हाँ, चला मतलब प्रशासन नहीं आया अभी? प्रशासन नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? नाम गणेश यादव हुआ। गणेश यादव जी, हम लोग का जमीन मक्खू जान में पड़ता है। कहाँ? हम लोग जीरो लगातार है 3 साल से, हम लोग को बदमाश परेशान कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग जो है अपना जोर जबरदस्ती से अनाज लाते हैं। हाँ। लेकिन इस बार गोली से हजूर लोग परेशान कर रहा है। 3री बार है जो कि गोली से हम लोग को भगा दिया जाता है और वो लोग जो है खेत पर दखल कर करके उठ जा करके ले जाता है। कौन कौन बदमाश है कुछ हजूर जिसका कि नाम नगर निगम से सफाई कर्मी को सफाई करवा रहा था, जो कि घाट का सफाई जो कि अभी छठ पूजा का हम लोग सफाई में लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे लोग जो है कि लेबर लोग जो गया था उस पार जो है कि कुछ रोपा करने के लिए, इतने में वहाँ तावम तोड़ जो है कि फायरिंग का आवाज़ आया, जिसमें कि 1-2 दाना जो है कि यहाँ सीढ़ीगढ़ मंदिर में छिटक के यहाँ पे आया है। जितना भी यहाँ पे आस पास में गंगा जी का जो लेडीज वगैरह सब नहा रही थी वो खुद जो है कि जान बचा कर, यानी 100 राउंड गोली चला है और प्रशासन नहीं पहुंची है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पे सफाई भी करवा रहे हैं और सर कोई प्रशासन का माहौल अभी तक नहीं। राघवपुर दियारा क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिली थी, तुरंत एक टीम बनाकर उसमें 3 थानाध्यक्ष और सीआईटी की टीम और जो बजरा दल है टीम बना के भेजा गया है और उसका सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया कि फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, पर फिर भी हम लोग वहाँ पे एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और शराब के प्रति भी एक अभियान आज ही चलवा रहे हैं। उसमें 3 थानाध्यक्ष की टीम गई हुई है, सीआईटी और बजरा प्रभारी और बजरा दल भी गया हुआ है। भागलपुर में गांव वालों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने पर बिजली विभाग ने पूरे गांव की ही बिजली काट दी। दरअसल बिजली विभाग प्रीपेड मीटर लगाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। वहीं भागलपुर की घटना राज्य के दूसरे शहरों के लिए भी सबक बन गई है। बिहार में बिजली कंपनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि यह स्मार्ट मीटर अधिक बिल देता है,
लेकिन बिजली कंपनी इससे इनकार करती है। यही कारण है कि बिजली कंपनी इसमें जरा भी ढिलाई देने को तैयार नहीं है। कई जगह लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए भागलपुर की यह घटना सबक है। आपको बताते चले, भागलपुर के अलावे बिहार के अन्य शहरों में भी मीटर लगाने का काम चल रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अब्जुगंज गांव में बिजली कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने गए थे, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया तथा मीटर नहीं लगाने दिया। इस बीच दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। बिजली कर्मियों ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो बिजली कर्मियों ने मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, यानी पूरे इलाके की बिजली ही काट दी, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग आक्रोशित हो गए। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने भागलपुर से मुंगेर जिला को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसका यह नतीजा हुआ कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन व राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने लगे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया। बाकायदा एक घंटे के बाद लोगों को बिजली वापस पहुंचाया गया। हालांकि राजस्व पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली दिया जाएगा। बिजली का अधिक बिल आने की शिकायत पर विद्युत विभाग में लिखित आवेदन दे, लिखित आवेदन के आधार पर समस्या का निदान किया जाएगा। हम लोग का स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, क्या हुआ भैया? लाइन क्यों कट गया? कब से लाइन कटा हुआ? किसने कटा है लाइन? कटा हुआ किसने कटा है? लाइन किसने कटा है? वो बोला कि हम एलटीओ, हम खुद बोला हम एलटीओ, हम कटवा रहे जाते हैं। मिस्त्री कौन था काटने वाला? दुरुपयोग कर रहा है स्मार्ट मीटर सर। तो बता दें लाइन दे देगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के सन्हौला प्रखंड के भुड़िया मैयामा और अरार पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, भागलपुर सिटी एसपी सहित जिला और कहलगांव अनुमंडल के एसडीएम, एसडीपीओ, डीसीएलआर और कई पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे। भुड़िया मैयामा पंचायत के उप प्रमुख निशा देवी ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और अरार पंचायत में प्रमुख अनिल पासवान ने पदाधिकारियों का स्वागत किया। गेरुआ नदी में चेक डैम और सन्हौला सामुदायिक केंद्र को 20 बेड में जल्द अपग्रेड होने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के सुझाव जानकर सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।
उन्होंने कहा कि पुरुष अगर पढ़ता है तो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन लड़की अगर पढ़ती है तो अपने साथ कई परिवार को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि सरकार बेटी को आगे बढ़ाने और पढ़ाने की बात कहती है। जिलाधिकारी ने शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, धान अधिप्राप्ति, सात निश्चय सहित कई योजना पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कहा कि सरकार की योजना समाज को क्रांतिकारी बदलाव की ओर ले जा रही है। उप प्रमुख निशा देवी ने आवेदन देकर गेरुआ नदी में चेक डैम, पंचायत समिति के लिए भवन और प्रखंड परिसर के पास मुख्य सड़क किनारे जनहित में दुकान खोलने का आग्रह किया। डीडीसी कुमार अनुराग ने कहा कि जो भी आवेदन मिले हैं उसका निदान जल्द ही किया जाएगा। भागलपुर सिटी एसपी ने साइबर अपराध से बचने, थाना में महिला हेल्पलाइन का लाभ उठाने, 112 डायल कर पुलिस को आपात सूचना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व मुखिया विजय मंडल ने सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि स्थानीय सहकारिता पदाधिकारी द्वारा किसानों को मिलने वाली योजनाओं में बड़े पैमाने पर लूट मचा रखी है। रैयत और गैर रैयत के नाम पर योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। शिकायत करने के बाद भी किसानों को राहत नहीं मिल रही। एमएलसी प्रतिनिधि विनय सिंह, पूर्व मुखिया विजय मंडल, मुखिया शोभा देवी, सरपंच पति पवन मंडल, पंचायत समिति राहुल कुलकर्णी, प्रतिनिधि गौरी शंकर, मुखिया कुंज बिहारी चौधरी, शौकत अंसारी, जिला परिषद नाजनी नाज, सनहौला प्रखंड अधिकारी बीपीआरओ कुणाल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी कृष्ण मोहन कुमार, सनहौला थाना प्रभारी राकेश कुमार और सभी पुलिस बल सहित जिला से आए डीपीआरओ आलोक कुमार और जिला के सभी विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने अपनी बातें रखी और सभी पदाधिकारी अधिकारी मौजूद रहे। हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर सलाउद्दीन हसन ने अपनी पूरी फौज लेकर कई घाटों का निरीक्षण किया, जहां घाटों की स्थिति काफी दयनीय देखी गई। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जल्द ही हम लोग छठ पूजा से पहले सभी घाटों को दुरुस्त करेंगे, चाहे सफाई की बात हो, दलदल में कसाल लगाने की बात हो, लाइट हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था, सबों को दुरुस्त किया जाएगा। इसमें नगर निगम के कर्मी और अधिकारीगण अगर लगेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व के समय गंगा में अर्घ देने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, शशि मोदी, पंकज गुप्ता, संजय सिंह सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। हाँ, आज जो है हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, मैं हूँ, डिप्टी मेयर साहब है, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण है 51 वार्ड के और निगम के अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, सबके साथ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण हैं, सब लोगों के साथ घाट निरीक्षण में आई हूं। और हम अभी 2-3 घाटों का निरीक्षण किए हैं, उसमें सीढ़ी घाट है और पुल घाट है। जो भी यहां की घाट तो बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन जो इन लोग लग जाएंगे, हमारे निगम के सारे कर्मचारीगण अधिकारीगण सब जब इसमें लग जाएंगे तो घाट बेहतर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो बस सफाई करना है और जो दलदल है उसमें कसाल उसाल लगना है, ये सब दिशा निर्देश दे दिया गया है, सफाई के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। लाइट की व्यवस्था के लिए भी जो आए हुए हैं तो उनको भी दिशा निर्देश दे दिया गया कि भाई आप लाइट अच्छे से लगाइए, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी दुरुस्त हो, इसका भी हमने बोला है कि वो भी दुरुस्त हो, कि किसी तरह का यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं हो, किसी तरह के यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। हमको लगता है छठ पूजा आते आते यहाँ का व्यवस्था बहुत ही उत्तम और ये देखने योग्य हो जाएगा। आज जो हम लोग घाट के निरीक्षण में आए हैं कि आगे आगामी का दीपावली है और छठ का त्यौहार है, जो भागलपुर शहर में नहीं बल्कि पूरे बिहार में बड़ी हर्ष उल्लास के साथ और अकीदत के साथ मनाया जाता है, तो हम लोग इसके लिए पूर्व से तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो घाट का हमने जो सिचुएशन देखा वो अभी गंदगी है और बहुत सारे सीढ़ी घाट पर गंगा जी का मिट्टी आया हुआ है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि निगम के कर्मचारी भी हम लोगों के साथ हैं और इसमें नगर आयुक्त साहब भी पहल करेंगे और इस भागलपुर घाट को जो छठ तक हम इस लैक का बना देंगे जो अति सुंदर होगा और साफ सफाई से पूरी तरह परिपूर्ण होगा, और भागलपुर की जनता और हम लोग सब मिलकर छठ त्यौहार बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे और किसी भी जनता को कोई तकलीफ होगी
तो ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर इसके बावजूद भी होगी तो हम लोगों को सूचना देंगे, उसे उस कार्य को पूरा कराने का प्रयास। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके मुंगेर में रहने वाले विशाल आनंद ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में 297वां रैंक लाकर उत्तीर्ण होकर बीडीओ के पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, काफी कठिन परिस्थिति में मैंने यह मुकाम हासिल किया। मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई की और मेरा मुख्य उद्देश्य था बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी गोल को अचीव करना, और वो मैंने किया। इसके पीछे हमारे परिवार वालों और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका ऋणी हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सच्ची मेहनत और कठोर लगन करने की भी बात कही। उनको यह सफलता कई बार असफल होने के बाद इस बार मिली है। बहुत गर्व का फील हो रहा है यहाँ का, चूंकि मैं यहाँ का विद्यार्थी भी रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया, इसी विश्वविद्यालय से, और फिर पीजी मैंने दिल्ली से किया, और फिर वापस फिर यूजीसी नेट जेआरएफ में जेआरएफ के लिए क्लियर किया। उसके बाद यहीं से मैं जेआरएफ के तहत अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसी विश्वविद्यालय से पुराना नाता रहा है यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, सम्मान के साथ फील हो रहा है। मतलब अंदर किस पोस्ट पर ट्रेनिंग के लिए? मेरा ये आरडीओ के पद पर, जो कि जस्ट 2 साल के प्रोबेशन के बाद वीडियो बनेगा, तो मेरा चयन वीडियो के तौर पर हुआ है। तैयारी कैसी की थी? तैयारी सर, मैं मुखर्जी नगर में पिछले 10 साल से काफ़ी संघर्ष किया मैंने। मैंने आईएएस का इंटरव्यू तक भी दिया है 2015। 2-3 अटैम्प्ट मैंने मेंस दिया, 1 अटैम्प्ट यूपीएससी मैंने दिया है, फिर बीपीएससी में ये मेरा 3रा इंटरव्यू था। इससे पहले 56-59 में मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड था, बस सिर्फ मुझे पोस्ट अलॉट नहीं हुआ था। मैंने फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लिया था, लेकिन मुझे पोस्ट अलॉट नहीं हुआ। फिर जस्ट 60 से 62 बैच मैंने बैक टू बैक इंटरव्यू दिया, उसमें मेरे फाइनल मेरिट से 2 मार्क्स कम रह गए थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। कि नहीं पता था कि बस जो टारगेट एक लाइफ का गोल सेट किए उसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, और संघर्ष से ही सफलता मिलता है। और मैं लगातार प्रयास करता रहा, जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और उसी का परिणाम है कि 67वीं बीपीएससी में 802 पदों में से मेरा 257 रैंक पे चयन हुआ है। विशाल आनंद, घर मेरा घर मुंगेर हुआ, लाल दरवाजा न्यू कॉलोनी रहने वाला हूँ मैं। इनको सम्मानित किया? छोटे भाई विशाल आनंद जी मुंगेर निवासी हैं, 67वीं जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ है। बहुत खुशी और हर्ष की बात है, हम लोग समाज के बच्चे आज ऊपर उठ रहे हैं, एक सीख है नई पीढ़ी के लिए, एक उत्साहवर्धक चीज़ है। आज उसी को हम लोग सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जाने वाले पीढ़ी से कुछ सीखे, अपना कुछ बात बताएं, नए जनरेशन को कैसे तैयारी किया है। और हम लोग का छात्र राजद का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है, इसी तरह से जीवन में आगे आप बढ़ते रहिए। पूरे राज्य में 28 यातायात थाना का उद्घाटन किया गया, इसी बाबत आज नौगछिया में भी यातायात थाना का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में डीआईजी विवेकानंद ने थाने का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सुशांत कुमार सरोज मौजूद थे। वहीं डीआईजी ने कहा कि शहर में यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए यह पहल की जा रही है, जिससे नागरिकों को काफी सुगमता मिलेगी। यातायात थाना खुल जाने से कई तरह के फायदे होंगे, यहां के सिपाहियों को विशेष प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। देखिए, आज जो है पूरे राज्य में 28 ट्रैफिक थाने का उद्घाटन हुआ है, जिसमें से कि नौगछिया जिला का ट्रैफिक थाना और भागलपुर रेंज में बांका जिला का ट्रैफिक थाना का भी उद्घाटन हुआ है। इससे जो है ट्रैफिक रिलेटेड समस्याओं को समाधान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसा कि हम लोग सभी रोजाना देखते हैं कि हम हर शहरों में ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस थाना का जो है क्रिएशन आवश्यकता भी थी, और नागरिकों को इससे बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक रिलेटेड समस्याओं के निराकरण के अतिरिक्त जो ट्रैफिक रिलेटेड केसेस होते हैं, जहां की विशेषज्ञता की भी ज़रूरत है अनुसंधान में, तो उन केसों के अनुसंधान के लिए ये एक स्पेशलाइज एजेंसी का भी काम करेगी। पर्टिकुलरली ऐसे मामले जिसमें कि 2 या उससे अधिक डेथ हों, उसके लिए ये एक स्पेशलाइज एजेंसी के रूप में काम करेगी। और आने वाले दिन में इनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और इनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और इनका क्षमतावर्धन भी होगा।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत सुंदरवती महिला महाविद्यालय में जल्द एकेडमिक सीनेट कराया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें महामहिम राज्यपाल आएंगे। हालांकि अभी डेट निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अभी से शुरू कर दी है। आज सुंदरवती महिला महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में उपकुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार के अलावे कई अधिकारी पहुंचे और कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही चल रहे परीक्षा का भी निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि हम लोग आगामी एकेडमिक सीनेट को लेकर पूर्ण रूपेण तैयार है और कॉलेज में भी मुकम्मल व्यवस्था है। उपकुलपति आए थे, रजिस्ट्रार आए थे, कॉलेज इंस्पेक्टर आए थे और प्रोफेसर साहब आए थे। इन लोगों ने पहले कॉलेज का निरीक्षण किया, एग्ज़ाम चल रही है और उसके बाद सीनेट के लिए भी कुछ तैयारी किस ढंग से हो रही है, इसका मीटिंग की हम लोग की, मैंने कैसे सीनेट की तैयारी होगी इसी का ब्यौरा लेने के लिए किया कि एकेडमिक सिंडिकेट होने वाला है, संभावित अभी डेट नहीं आई है। वही सर आएंगे, बी सी सर, तो वो बताएंगे कि हाँ किस तारीख होगा, तो उसके लिए हम लोग तैयारी ऐसे शुरू कर दी है। अभी दिशा निर्देश कुछ नहीं आए हैं, अभी तो खाली मीटिंग करके अपना किया है कि ये सब करना है इतना। अभी दिशा निर्देश अब कल सर आ जाएंगे, कल के बाद वो काम था। एक तो हमारा जो जनरल निरीक्षण चलता है ना, इंस्पेक्शन, वो भी कर लिए हैं और दूसरी बात है यहाँ पर विश्वविद्यालय निर्णय लिया है अगला एकेडमिक सीनेट कराने के लिए, तो उसकी व्यवस्था भी, क्योंकि महामहिम आवेंगे राज्यपाल महोदय, तो इसलिए हर तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो। तो ये कॉलेज पहले से ही लड़कियों का तो प्रीमियर कॉलेज है, एक और पहले से हम लोग करा चुके हैं, तो हम लोग कॉन्फिडेंस भी है कि यहाँ के सुरक्षित सब रहेगा हर तरह से। तो उसके जो व्यवस्था है आगे क्या किया जाए उसकी मीटिंग हम, नहीं नहीं त्रुटि कुछ नहीं है, सब ठीक है, निरीक्षण में कुछ नहीं है। अभी बच्चों का एग्ज़ाम ही चल रहा है, क्लासेस तो अभी चल नहीं रहा था, तो उसको हमने देखा है और इधर मीटिंग भी हमने किया है कि आज थोड़ा एक मीटिंग भी है यूनिवर्सिटी में, इसलिए नहीं तो और उस तरफ भी जाके और व्यवस्था देखना है, तो फिर एक दो दिन में हम लोग आ देंगे।